हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्र में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण सिनोनिम्स के बारे में। देखिए, सिनोनिम्स हैं ये। सिनोनिम्स हैं ये, सारे एग्ज़ाम में रिपीटेड हो चुके हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम में ये आ चुके हैं। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, और हम लोग नहीं समझते चलते हैं कि कितने सिनोनिम्स हैं और इन सब के मीनिंग क्या हैं। देखिए, जो फर्स्ट है उसका है ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस मीन्स होता क्या है? तो देखिए, जो ऑब्नॉक्सियस मीन्स होता है उसका मतलब होता है जो बहुत हानिकारक हो, नुकसानदेह हो। ऑब्नॉक्सियस मीन्स होता है हानिकारक, हानिकारक। अब आपको इससे जोड़ना है कि कौन सा सिनोनिम्स जो है वो मिल रहा है। तो इन चारों के मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। जो डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन आप सभी जानते हैं, डिप्रेशन मीन्स होता है हताशा। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग मीन्स होता है दुखद। और एरोगेंट, एरोगेंट मीन्स होता है प्राउडी, घमंडी। और फिल्दी मीन्स होता है गंदा। तो देखिए, इसका जो नियरेस्ट मीनिंग है सिनोनिम्स है तो कौन सा बन सकता है? तो एब्नोक्सियस का जो नियरेस्ट मीनिंग है वो बनेगा डिस्गस्टिंग, क्योंकि डिस्गस्टिंग मीन्स भी दुखद होता है, जो हमें दुख पहुंचाए, हानि पहुंचाए। और ऑब्नॉक्सियस मीन्स भी हानिकारक होता है। तो अगला देखिए, कॉन्वेनेंट। कॉन्वेनेंट मीन्स सबसे पहले जानिए कि होता क्या है। तो कॉन्वेनेंट मीन्स होता है करार देना, किसी चीज को मानना, करार देना, एक्सेप्ट कर लेना, तो ये होता है। अब इसका जो नियरेस्ट मीनिंग है वो कौन सा होगा ये देखिए। तो किसी चीज को मानना, सबसे पहले तो आप मैं इसको लिख देती हूँ, किसी चीज को करार देना, करार देना मतलब इट मीन्स होता है मानना, मानना, ठीक है। अब ये मानना होता है, तो आपको इसमें नियरेस्ट मीनिंग देखना है। तो केस, केस का तो कोई लेना देना होगा नहीं इससे, क्योंकि केस का मतलब तो होता है मामला। कूपन, कूपन का मतलब तो आप सभी ने पता है, कूपन होता है। कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जो होता है ये भी होता है करार देना। मानना होता है, करार देना होता है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स। और सेटलमेंट, जो सेटलमेंट है तो सेटलमेंट मीन्स होता है बंदोबस्ती। तो इस हिसाब से इसका जो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। अगला देखिए, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस जो ये वो वाला डिफरेंस नहीं है जिसका आप लोग समझ रहे होंगे कि मान उसका विभिन्न अंतर से संबंधित है। ये डी ई एफ ई आर ई एन सी ई, डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान। कभी कभी बहुत कंफ्यूज करता है डी डबल एफ ई आर ई एन सी ई, लेकिन यहाँ देखिए मीनिंग बहुत अंतर है। तो डिफरेंस का जो यहाँ पर मीन्स निकल रहा है वो निकल रहा है सम्मान। अब आपको ये तो बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा कि सम्मान का संबंध किससे है। तो डिफरेंस का मतलब होगा रिस्पेक्ट, क्योंकि इनडिफरेंस तो नहीं होगा, सिंपैथी भी नहीं होगा, फ्लैटरी भी नहीं होगा। इन सभी के मीनिंग अलग-अलग हैं। जो फ्लैटरी होता है वो खुशामद होता है, किसी के साथ फ्लैटरी, चापलूसी करना। सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति, और रिस्पेक्ट का मतलब ही होता है आदर करना। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? एब्रोगेट का मतलब होता है उल्लंघन करना, अवज्ञा करना, किसी चीज को ना मानना। तो इसको आप लोग नियरेस्ट मीनिंग इसका जल्दी से बताइए, उल्लंघन मतलब क्या होता है? तो देखिए, जो एब्रोगेट है इसका मतलब होता है उल्लंघन कर लेना, किसी चीज को मना कर देना, ठीक है। अब जो रिपील, रिपील का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खंडन कर देना, किसी चीज को जो खंडन होता है वो कर देना, तो खंडन कर देना हो गया। अब डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है बर्बाद कर लेना, डिले मीन्स होता है देरी कर देना, ओके।
तो डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, डिले भी नहीं होगा, और डिसमिस का मतलब क्या होता है, खारिज कर देना, तो उलंघन रेवील जो रेपील है इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए इंटरप्टेड, जो इंटरप्रेट है इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखिए इंटरप्रेट का मीन्स होता है साहसी, बहुत ही बहादुर होना, साहसी होना, तो बहादुर होना, जिसको डर ना लगे, कौन होगा वो, जल्दी से बताइए इसका। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मीन्स जो बहादुर होगा वो फियरलेस होगा, डर नहीं होगा उसके, तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, लेकिन तीन ऑप्शन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। इंटरप्रेट मीन्स देखिए MBA, जो MBS मीन्स होता है इसका महत्वाकांक्षी होता है। इसके बाद डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मीन्स होता है जो दृढ़ निश्चयी हो वो होता है। टॉकेटिव, टॉकेटिव मीन्स होता है जो बहुत बात करता हो, बात करने वाला हो। तो कोई भी मीनिंग इसका सुटेबल नहीं बैठ रहा है, सिर्फ फियरलेस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है। प्रेसिडेंस का मीन्स होता है प्राथमिकता, किसी चीज को हम कितनी प्राथमिकता देते हैं, कितना प्रेफरेंस दे रहे हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्राथमिकता का संबंध होता है प्रेफरेंस से, प्रेफरेंस मीन्स भी प्राथमिकता होता है और प्रेसिडेंस भी होता है प्राथमिकता, इसका मीन्स भी प्राथमिकता होता है। अब तीनों और जो ऑप्शन है उनको भी हम देख लेते हैं। तो जो ऑप्शन ए है इसका मतलब क्या होता है, प्री इमिनेंस का मतलब होता है पूर्व ख्याति, प्राइमेसी जो होता है उसका मतलब होता है प्रमुखता, और प्रेफरेंस प्राथमिकता होता है, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व होता है। तो सबसे नियरेस्ट सिनोनिम, सबसे नियरेस्ट मीनिंग है इसकी ऑप्शन सी, प्रेफरेंस। अगला देखिए इन, इनका मतलब क्या होता है ये बताना है आपको। इनका मतलब जल्दी से बताइए, इनका मतलब होता है, इनका मतलब होता है धर्मशाला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जहां पर सभी लोग रहें उसका मतलब होता है इन। अब फैक्ट्री और किचन से इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम कट कर देंगे। अगला देखिए सेटिएट, सेटिएट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका मतलब समझिए। सेटिएट का मतलब होता है तृप्त होना, तृप्त करना, किसी चीज से फुलफिल हो जाना, तृप्त हो जाना, तो इसका जो नियरेस्ट मीनिंग होगा सेटिस्फाई होना, संतुष्ट हो जाना, तृप्त हो जाना, सेटिएट का मतलब होता है। और बाकी के जो मीनिंग है वो भी हम लोग इसको देख लेते हैं कि डिससेटिस्फाई मीन्स होता है असंतुष्ट होना, और जो नलीफाई है इसका मतलब क्या होता है, रद्द करना, और मलीफाई में जो मिलीफाई है इसका मतलब आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में करके। अगला क्वेश्चन देखिए इनइक्वालिटी, इसका मीन्स, इनइक्वालिटी मीन्स होता है अत्याचार, जो इनइक्विटी है, इन इक्विटी, सॉरी फॉर स्पीकिंग मिस्टेक, इनइक्विटी, इनइक्विटी मीन्स क्या होता है, इनइक्विटी मीन्स होता है अत्याचार करना, इनइक्विटी मीन्स होता है अत्याचार करना, अत्याचार करना होगा। अब अत्याचार का संबंध किससे है यह बताइए। देखिए जो हॉस्टिलिटी है, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है विरोध करना, स्पीड का मतलब होता है गति, और इनबैलेंस, इनबैलेंस का मतलब होता है असंतुलन, और विग्डनेस का मतलब होता है बदमाशी या अन्याय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अत्याचार से संबंधित होगा विग्डनेस, इनइक्विटी। अगला देखिए, अगला जल्दी से बताइए इसको। डिसेबल्ड, डिसेबल्ड का मतलब क्या होता है, डिसेबल्ड जल्दी से बताइए, डिसेबल्ड का मतलब होता है अस्त व्यस्त, किसी चीज को अस्त व्यस्त होना। तो सबसे पहले आपको इसके वो ऑप्शन
कार्ड देने हैं जो बिल्कुल नहीं मैच करते, सेट तो बिल्कुल नहीं करता, अस्त व्यस्त का क्लीन भी मैच नहीं करता है। अब पुलिस, पुलिस मीन्स होता है मूर्ख, तो मूर्ख भी नहीं करेगा। जो अब एक ही ऑप्शन बनता है वो होता है, जल्दी से बताइए आप इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब फर्स्ट ऑप्शन ही इसका बिल्कुल ऑप्शन ए ही सही होगा, अस्त व्यस्त यूनिक टाइट, इसका ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये 10 आपके सिनोनिम्स थे, और सभी जो आपके ये सिनोनिम्स हैं रिपीटेड हैं, ये रिपीटेड हैं, एग्जाम में आ चुके हैं। और इसका नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट फिर से डालूंगी। सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।